नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, अभी रिसेंटली यूनियन बजट गवर्नमेंट ने रखा है, इस साल के यूनियन बजट और पिछले कुछ सालों के यूनियन बजट में आपने देखा होगा कि सरकार टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस को बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो जो टैक्स के दायरे से बाहर छूट रहा है, चाहे वो लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर पा रहा हो, इसकी वजह से बाहर रह रहा हो, तो सरकार ये चाहती है कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे, और यदि उनकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो वो अपनी टैक्स सरकार को चुकाए। टीडीएस और टीसीएस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। आज का विषय अपना ये रहेगा कि ये जो प्रोविजंस है इनसे अकाउंटिंग फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। फ्रेंड्स, कोरोना से अब हम बाहर निकल चुके हैं, सभी लोग अपने अपने काम पे लौट चुके हैं, अर्थव्यवस्था की पटरी भी धीरे धीरे लगातार गतिशील होती जा रही है। तो ये जो बजट के प्रोविजंस है इसमें टीडीएस को जो लागू किया जाता है या काफी समय से टीडीएस चल रहा है, तो इससे क्या होता है, पहले क्या है कि यदि टीडीएस के प्रोविजन यदि नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जिसकी जितनी भी पूरे वित्त वर्ष के दौरान जो आय रही है, यानी कि ग्रॉस इनकम जो भी है, उसके बाद उसकी जो भी टोटल इनकम आ रही है, कैलकुलेट हो रही है, उसके ऊपर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है, वो ईयर एंड में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है और जो भी उसकी टैक्स की देनदारी बनती है वो सरकार को चुका देता है और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है। टीडीएस के प्रोविजंस इस तरीके की प्रोविजंस है या टीसीएस के प्रोविजंस, इससे क्या है कि जहां पे इनकम का सोर्स है, यानी कि जहां से इनकम जनरेट हो रही है, उसी पॉइंट पे ही टैक्स का डिडक्शन कर लिया जाता है। इसके बाद यदि कम हुआ डिडक्शन, तो जो भी व्यक्ति अपनी आयकर की रिटर्न भरेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय बचा हुआ टैक्स अपना पेमेंट कर देगा और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देगा। यदि किसी का टैक्स नहीं बन रहा है लेकिन उसका टीडीएस कट जाता है, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकता है। सरकार का जो फोकस है वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स के दायरे में आए, जीएसटी के दायरे में आए। इससे अकाउंटिंग फील्ड में जो कार्य कर रहे हैं अकाउंटेंट जो भी लोग हैं, उनके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल हुई है। आप अपने आसपास देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज को कि बहुत से व्यापारी ऐसे हैं। एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत से व्यापारी लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं किसी भी व्यापारी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, या ऐसा कोई बात नहीं है कि जिससे व्यापारी वर्ग नाराज हो सके। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यापारी वर्ग कैश में काम कर रहे थे पहले, लेकिन अब सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे व्यापारियों को भी ये महसूस हुआ कि डिजिटलाइजेशन से उनका काम कितना आसान हो गया है। कई बार व्यापारी वर्ग इस दायरे में आना चाहता है, यदि वो आ रहा है, वो चाहता भी है कि यदि उसका कोई टैक्स बन रहा है तो वो ईमानदारी से अपना टैक्स देना भी चाहता है, लेकिन लीगल कंप्लायंसेस की वजह से वो अपने आप को कई बार न चाहते हुए भी बाहर रख लेता है। लेकिन जैसे जैसे कैश ट्रांजेक्शन पे लगाम लगी है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, तो अब हर व्यक्ति के लिए मैंडेटरी हो गया है कि वो अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मेंटेन करे। यदि जीएसटी लागू है तो जीएसटी के प्रोविजंस को फॉलो करे, जीएसटी कंप्लायंसेस कंप्लीट करे, जीएसटी की रिटर्न्स टाइमली सबमिट करे, और यदि उसका टैक्स बन रहा है तो वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दे। अब स्थिति थोड़ा बदली है, आपके आसपास के एरिया में ही आपके लिए काम के अवसर काफी मात्रा में उपलब्ध होने लग गए हैं। आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास के क्षेत्र में ही आपको काम मिलना शुरू हो गया है। व्यापारी वर्ग कई आपने देखा होगा कि खुद ही अकाउंट्स का काम कर लेते हैं, कुछ मेरे से भी चर्चा होती है कई बार। मैं ये सजेस्ट करता हूं उनको कि आप भले फुल टाइम बंदा एम्प्लॉय ना करना चाहें, आपको लगता है काम थोड़ा कम है आपका, तो आप
फुल टाइम के बजाय एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट आप हायर कर लीजिए। लेकिन उस पार्ट टाइम अकाउंटेंट को हायर करने से क्या होगा, आपको 3-4-5 हजार रुपए महीने का खर्चा तो होगा, लेकिन जो आपका वैल्यूएबल टाइम है, अमूल्य समय जो आप इस अकाउंटिंग और ये कंप्लाइंसेस पूरे करने में दे रहे हैं, वो आपका बचेगा, वो समय बचेगा। तो आप जाहिर सी बात है कि अपने बिजनेस के ऊपर वो टाइम डिवोट करेंगे, और जो पैसा आप एक अकाउंटेंट को दे रहे हैं, पार्ट टाइम अकाउंटेंट को दे रहे हैं, मान लीजिए जो भी 3-4-5 हजार रुपये जिसमें भी आप तय करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आप अपने व्यापार से कमा पाएंगे। मैं अक्सर यही सलाह बिजनेसमैन को देता हूँ, और अधिकतर व्यापारी मेरी इस बात से सहमत भी हो जाते हैं कि सर बात तो आप सही कह रहे हैं कि हम जैसे ही मंथ एंड होता है तो उसके बाद हमारे पास अगले 5-6 दिन तो बिल्कुल भी समय नहीं रहता। वजह, आपको बैंक रिकनसाइल करना है, किस पार्टी का पेमेंट आपके पास कितना आया है, कितना आपको पेमेंट करना है, डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट आपको है उसको रिकनसाइल करना है। आपको कई बार यही पता नहीं होता कि आपको किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर लेजर और अकाउंट्स उसके नहीं हो पाते। एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करने से आपकी इन सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये जो वीडियो है, ये जितना अकाउंटेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही सभी व्यापारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब अगली बात आती है कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को हायर यदि कोई व्यापारी नहीं कर पाता है, किसी भी वजह से मान लीजिए वो नहीं करता है, कई बार व्यापारी को खुद को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत वो काम करते करते उसको डेवलप कर लेता है। मैं इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूं कि व्यापारी खुद नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सेवाएं उसको मिलेगी उसमें और खुद के काम करने में, उनको खुद को पता लग जाएगा यदि जब भी वो एम्प्लॉय करते हैं किसी बंदे को, कि कितना डिफरेंस है। दूसरा, जो समय उनका बचने वाला है, आज यदि उनके पास काम कर रहा है कोई बंदा जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, अकाउंटिंग का काम कर रहा है, जिसको जीएसटी की नॉलेज है, तो हर चीज उनको रेडीली अवेलेबल होगी, उनको माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी अपने अकाउंट्स में कि किस आदमी से कितना पैसा लेना है, किस आदमी को कितना पैसा देना है, उनका जीएसटी का कितना आईटीसी उनको मिल रहा है। यदि किसी ने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया है और उनके ITC शो नहीं हो रहा है, तो यह सब चीजें उनके पास रेडीली अवेलेबल होंगी, और वो उससे बात कर सकेंगे कि साहब आपने जो बिल मुझे दिया है या जो मैंने माल आपसे परचेज किया है, इसके लिए जो टैक्स आपने चार्ज किया है वो मेरे 2A में शो नहीं हो रहा है, तो मैं इसका ITC नहीं ले पाऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि GST की रिटर्न स्लैब 2B जो लागू हुआ है नया, ये अभी आपको अलाउ कर रही है सरकार कि आप अपने हिसाब से ITC, हालांकि इसमें लिमिट उन्होंने कर दी है, धीरे धीरे उसको ग्रिप को टाइट किया जा रहा है कि यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके 2B और 3B में जो आप ITC ले रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 5% से ज्यादा है, तो आप वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपका वहां पे बॉक्स जो है रिटर्न फाइलिंग, जिसमें आप टेबल में अपनी डिटेल्स डालते हैं, वहां पे वो रेड मार्क इंडिकेट करने लग जाता है, डिपार्टमेंट को भी अलग से शो हो जाती है कि इस बंदे की ITC जो बन रही है एक्चुअल में उसने क्लेम उससे ज्यादा करी है, आपको डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसके लिए भी चर्चा अपन अलग विषय में करेंगे। बात यह है कि ये जो परिस्थितियां हैं इनमें समझदारी भरा डिसीजन यही है कि व्यापारी को फुल टाइम यदि अकाउंटेंट वो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो पार्ट टाइम बेसिस पे एक अकाउंटेंट को हायर कर लेना चाहिए, मात्र बहुत ही कम बजट, 3-4-5 हजार रुपये, जो भी आपका क्षेत्र है, जिसमें जो आपको अवेलेबिलिटी है, जिस रेट पे वो आप देख सकते हैं, आपको प्रोफेशनल बंदा एक मिल जाता है जो आपके अकाउंट्स के साथ साथ आपको ये राय भी दे सकता है कि किन परिस्थितियों में आपको क्या क्या चीजें आपको करनी है। दूसरा, जिस स्तर पे आपका बिजनेस चल रहा है उसको और आगे लेवल पे ले जाने के लिए वो आपको कुछ राय भी दे सकता है। हो सकता है कि उन राय पे अमल करके, क्योंकि समय तो अब आपके पास बच रहा है, आपके अकाउंटेंट ने आपका काफी बोझ हल्का कर दिया है,
तो आप उन आइडियाज पे इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर टाइप करके मुझे बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।